हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टूस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक इन विच वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन एग्जाम्पल इन विच दैट द नंबर इज अ डेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी एंड देन वी डू अ टूस कॉम्प्लीमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल गिवन इन विच वी हैव टू डू अ टूस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 46 यूजिंग 8-bit टूस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। इट मीन्स द 46 शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 14 यूजिंग अ 8-bit टूस कॉम्प्लीमेंट। सो वॉट इज दिस, दिस इज द इन डेसीमल, दिस आर ऑल द थिंग्स। मतलब 46 और 14 जो दिए हैं वो डेसिमल में दिए हैं और उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, डेसिमल में आता है। 6-4 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, और इधर 4-1 करते हैं तो 3 आता है। तो ये जो आंसर आया वो हमारा किस में आया, डेसिमल में आया। लेकिन हमको क्या कैसे फाइंड करना है, हमको यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से फाइंड करना है और वो भी 8-bit। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। मतलब ये जो 14 है माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, तो मतलब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले इसको जो 14 है उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी जो वो डेसिमल में दिया है उसका बाइनरी करना पड़ेगा। तो वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप फाइंड कर सकते हो सिंपली। और मैं इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपको ना पता चले तो वो वीडियो स्पेशली मैंने बना के रखा है, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी वैल्यू। तो वो सिंपल है, इधर 14 लिखने का और इधर आंसर लिखने का। अब 2 into 7 करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है, वो डेसिमल में आता है। 2 into 7 14, और ये जो 14 है वो उसका 14 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इधर 0 आएगा। अभी सेम 2 3 6 आता है, और ये 7 है, मतलब एक माइनस करते तो 7-6, मतलब 7-6 1 आएगा, इधर माइनस नहीं आएगा, 0 और 1 दो ही आता है बाइनरी में, 0 और 1 ही आता है, कोई भी माइनस नहीं आता है। अभी 2 into 1 2, वो डेसिमल में है, और ये 3, तो एक आंसर 3-2 1, तो इधर 1 आया। 2 into 0 0, और ये जो रिमेनिंग 1 इधर आ गया। तो ये जो हमारा आया वो हमारा बाइनरी में आंसर आया, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, 8-bit बोला है। इधर कितने बिट है, 1 2 3 4 ही बिट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आप लिख सकते हो, उल्टा लिखने का, 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हमारा आंसर बाइनरी में आया। लेकिन कितना बिट है, 8-bit बोला है, हमारा क्या है, 4 ही बिट है। तो रिमेनिंग 4-bit आपको ऐड करना पड़ेगा इसके आगे, ये जो आंसर है उसके आगे ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो ये जो आया वो हमारा 8-bit का आया बाइनरी में, 14 का ये आंसर आया। अभी इसका हमको क्या फाइंड करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे उसका। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ 1 होता है उसका 0 हो जाता है, और 0 होता है उसका 1 हो जाता है। तो इसका क्या होगा, 0 0 0 0, मतलब 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1। तो ये जो हमारा आंसर आया वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। अभी उसमें एक ऐड कर देते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्टली टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा 14 का। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 जब हम डेसिमल में करते हैं तो 2 आता है सिंपल, लेकिन इधर बाइनरी एडिशन है, तो 1 प्लस 1 2। तो 2 का बाइनरी क्या होता है, 8 4 2 1, 2 का बाइनरी 0 0 1 0, मतलब 1 0 होता है बाइनरी 2 का। तो मतलब 0 इधर और 1 इधर, 1 0 होता है, तो ये 0 इधर और 1 इधर। अभी 1 प्लस 0 1, इधर 0 0 1 1 1 1। तो ये जो हमको मिला वो क्या मिला, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14, जो डेसिमल में था उसका हमने पहले बाइनरी किया और उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। तो अभी यही मेथड से आपको 46 का भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 46 को
भी बाइनरी में जो डेसिमल में है इधर, उसका भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी आप सिंपल कर सकते हो, यही मेथड फॉलो करनी है। तो उसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर आता है 101110। ये कितने बीट हुए? 1 2 3 4 5 6। हमको क्या चाहिए? 8 बीट है, मतलब 2 बीट ऐड करना पड़ेगा, वो आगे करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आया वो हमारा क्या आया? ये सिंपली बाइनरी में आंसर है। इसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका ही टूस कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब अभी हमने इधर तक ही किया, इसके लिए इधर तक ही करने का, सिर्फ बाइनरी वैल्यू फाइंड करके रख देने की। तो अभी बाइनरी वैल्यू लिखते हैं उसकी। तो पहले 46 माइनस 14, ये हमारा एग्जांपल था। तो अभी हमको डायरेक्ट इसका बाइनरी लिख देना है, 8 बिट वाला, 0 0 1 0 1 1 1 0। फिर ऐड करना है, इसका चेंज हो जाएगा एडिशन में, और इधर जो आएगा 14 का, उसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, क्या था? ये वाला टूस कॉम्प्लीमेंट था। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 14 का टूस कॉम्प्लीमेंट इधर लिखना है। तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था 1 1 1 1 0 0 1 0, 1 1 1 1 0 0 1 0। अभी ये सिंपली एडिशन है, बाइनरी एडिशन है। तो बाइनरी एडिशन करते हैं, तो 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1 0, मतलब 1 प्लस 1 2। तो 2 का 2 तो डेसिमल में होता है, और 2 का डेसिमल टू बाइनरी करते हैं तो 1 0 आता है। उसका बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। अभी 1 प्लस 1 1 0 1 0 1 0। अभी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इन डेसिमल, लेकिन उसका बाइनरी क्या होता है? 8 4 2 1 0 0 1 1, मतलब 1 1 होगा, 1 1 इन द बाइनरी। तो मतलब इधर भी 1, इधर भी 1, 1 प्लस 1 1 0 1 प्लस 1 1 0। तो इधर एक एक्स्ट्रा आई कैरी। तो अभी क्या करना है? आपको याद रखना है कि जब भी हम टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तब जब भी कैरी प्रोड्यूस होए तो इसको इग्नोर कर देने का, कैरी जो प्रोड्यूस हुई तो उसको इग्नोर कर देने का। और ये जो हमारा आया वो डायरेक्टली हमारा आंसर होगा। तो ये जो आंसर आया वो हमारा किस में आया? आप देख सकते हो कि हमारा आंसर कुछ बाइनरी में आता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? 32 आंसर चाहिए। तो अभी बाइनरी में से फिर से हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो सिंपल है, आपको क्या करना है? आंसर क्या आया हमारा? 0 0 1 0, कैरी को इग्नोर कर देना है, 0 0 0 0, ये जो हमारा आंसर है। अभी उसको हमको करना है डेसिमल में। तो कैसा लिखने का? 2 रेस टू 0 2 रेस टू 1, पीछे से लिखते आना है। ये हमारा बाइनरी में 2 रेस टू 0 2 रेस टू 1 2 रेस टू 2 2 रेस टू 3 2 रेस टू 4 2 रेस टू 5 2 रेस टू 6 2 रेस टू 7, ये हमारा है। अभी इसको लिखते कैसे है आंसर फाइंड करने के लिए? पहले 2 रेस टू 7 लिखने का इनटू 0, क्योंकि इसके साथ 0 है, प्लस 2 रेस टू 6 इनटू 0, प्लस 2 रेस टू 5 इनटू 1, क्योंकि अभी 1 है, प्लस 2 रेस टू 4 इनटू 0। तो ये सभी भी 0 है, तो पूरा 0 ही आएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये अकेला है। मतलब 2 रेस टू 5 32 इंटू 1, तो आंसर आया हमारा 32 इन डेसिमल। आप चेक कर सकते हो कि हमने सिंपल जो मेथड से फाइंड किया था उसका भी आंसर 32 आता था, और टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया उसके बाद भी हमारा आंसर 32 आया। तो ऐसे आप टूस कॉम्प्लीमेंट एरिथमेटिक कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और एक बात और, इधर जो कैरी ना आए, इसमें तो कैरी आ गई तो हमने डायरेक्टली इग्नोर कर दिया, लेकिन जब कैरी ना आए तब क्या करने का? सिंपल इधर जो आंसर आएगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देने का। तो वो जो आंसर आएगा वो हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आंसर आया उसका टूस कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब आप सोच लो कि यही आंसर आया और हमारा कैरी नहीं आया, मतलब 0 0 1 0 0 0 0 0, मतलब ये हमारा लास्ट में आंसर आया, लेकिन
कैरी नहीं आया, ऐसी हमने कोई भी वैल्यू इधर ले ली और फाइंड किया तो इधर कैरी नहीं आया हमारा और यही आंसर आया सिंपल, मतलब इधर से कैरी जनरेट ही नहीं हुआ, इधर कुछ आया ही नहीं, इधर सिंपल वन ही रहा तो इधर वन आंसर आ गया और इधर कुछ भी नहीं आया कैरी में, ये 8 BT आए उसके आगे कोई भी कैरी नहीं आई, तो तब आपको क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ आया हमारा बाइनरी में तो सिंपल उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ही डायरेक्टली फाइंड कर देना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, 1 1 0 1 1 1 1 1 और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1। तो ये जो हमारा बाइनरी में आया उसका हम सिंपली, तो ये जो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा, यही डायरेक्ट आंसर, जो कैरी ना आए तो उसका 1 2 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देने का, और ये हमारा आंसर अभी उसका बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, वो जो भी आंसर आए, ये सिंपल ये मेथड से आपको वो कर देना है। तो ये मैंने आपको दोनों दिखा दिया, एक ही एग्जांपल में दो मेथड दिखा दी, कैरी जनरेट हो रही है और कैरी जनरेट नहीं हो रही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।